हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर आप सभी के बड़े चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग संद को बहुत ही विस्तारपूर्वक और आसान तरीके से पढ़ेंगे। और अगर आपको यूपी टेट, सी टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन दे सकूँ। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कंपटीशन से रिलेटेड ऐसी वीडियो को मैं लेके आता रहता हूँ। तो चलते हैं, देर न करते वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। देखिए संधि क्या होता है, तो संधि को समझना बहुत ही आसान है। देखिए हम लोग इसके पहले पढ़ के आए हैं समास के बारे में। समास क्या होता है, तो समास दो शब्दों का मेल होता है, दो शब्दों के मेल से जो बनता है उसको बोलते हैं समास। लेकिन संधि में क्या होता है, संधि दो वर्णों का मेल होता है। अब ये वर्ण क्या होता है, तो का, खा, गा, छोटा, बड़ा, ये जो सारी चीज़ें होती है इसको बोलते हैं वर्ण। और दो वर्णों के मेल को बोलते हैं संधि। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इट मीन्स किसी भी शब्द में दो जब वर्ण मिलते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है इसे ही बोलते हैं संधि। जैसे मैं आपको नीचे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे विद्या प्लस आलय। अब देखिए विद्या में जो बड़ा आ रहा है और आलय में जो बड़ा आ रहा है, ये दोनों मिलते हैं तो बड़ा आ हो जाते हैं और बनता है विद्यालय। अब बड़ा कैसे हो जाता है इसको मैं बताऊँगा आगे, लेकिन अभी आप बस इतना समझिए कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर विद्या और आलय मिला, तो विद्या का लास्ट आ और आलय का पहला आ मिला तो मिलके बना विद्यालय। तो इसे ही बोलते हैं संधि। इट मीन्स दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं स्वर संधि, दूसरे को बोलते हैं व्यंजन संधि, और तीसरे को बोलते हैं क्या, विसर्ग संधि। तो पहले समझते हैं हम लोग स्वर संधि क्या होता है। तो स्वर संधि बहुत ही सिंपल है। देखिए जब भी कोई एक स्वर किसी दूसरे स्वर से मिलता है, स्वर माने क्या, कोई भी वर्ण, कोई ऐसा वर्ण जो स्वर हो, और दूसरा भी क्या, कोई ऐसा वर्ण जो स्वर हो। जब भी कोई दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं स्वर संधि। यानी इस दो स्वरों के मेल से प्राप्त संधि को बोलते हैं स्वर संधि। जैसे यहाँ पे आप देखिए लिखा है महा प्लस आत्मा। महात्मा में यहाँ पे देखिए जो महा में लास्ट में अपराग मात्रा आ रहा है और आत्मा में भी जो आ रहा है बड़ा, इन दोनों के मिलने से बड़ा बनता है। मतलब दो स्वरों के मिलने से बना हुआ है, तो दो स्वरों के मेल को बोलते हैं स्वर संधि। चलिए आगे देखते हैं। अगला है व्यंजन संधि। अब ये व्यंजन संधि क्या होता है, तो जब भी कोई एक व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन से, अथवा कोई व्यंजन किसी स्वर से, समझिए आप, जब किसी भी व्यंजन से कोई व्यंजन अथवा स्वर मेल करता है तो मेल करने से जो संधि बनती है उसको बोलते हैं व्यंजन संधि। देखिए हम लोग नीचे समझते हैं। यहाँ पे देखिए सम प्लस तोस। अब ये देखिए जो सम है ये है माँ और इसमें ता मिल रहा है, यानी ये भी व्यंजन है ये भी व्यंजन है, दो व्यंजनों के मिलने से ये बना है, इसको बोलते हैं क्या, व्यंजन संधि। आगे देखिए तो अगला है यहाँ पे देखिए का है, का व्यंजन है लेकिन आ क्या है, स्वर है, तो ये व्यंजन स्वर के मिलने से भी जो बनता है उसको बोलते हैं क्या, व्यंजन संधि। और दिग में जब अंबर मिलता है तो बनता है दिगंबर। अब कैसे बनता है इसकी चिंता अभी आप मत करो। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जब भी किसी व्यंजन से कोई व्यंजन अथवा स्वर क्रिया करता है तो प्राप्त होने वाले संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। तो आगे हम लोग समझते हैं विसर्ग संधि को। अब ये विसर्ग संधि क्या होता है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये विसर्ग होता क्या है। तो विसर्ग का सिंपल सा मतलब होता है अगर कोई दो बिंदी इस टाइप की है तो इसको बोलते हैं विसर्ग। देखिए ये वाली जो होती है विसर्ग की चिन्ह होती है। तो जब भी किसी विसर्ग से जब कोई स्वर अथवा व्यंजन क्रिया करता है तो जो संधि प्राप्त होती है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। यानी किसी भी विसर्ग और स्वर अथवा व्यंजन के मेल को बोलते हैं विसर्ग संधि। यहाँ पे आगे देखते हैं। देखिए ये जो है ये है जो ये नी है, नी में जो लगा हुआ है ये है विसर्ग। और यहाँ पे देखिए चल में जो चा आ रहा है ये है व्यंजन। और जब भी देखिए और इस विसर्ग और इस व्यंजन के मिलने से बना निश्चल। आगे देखिए ये नी है, ये विसर्ग है, यहाँ बड़ा आ है, इट मीन्स ये स्वर है। और जब इसमें ये मिलता है तो बनता है निराधार। यानी पहले में विसर्ग और व्यंजन मिला, दूसरे में विसर्ग और स्वर मिला, और मिलने के बाद एक वाक्य का निर्माण हुआ। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जब भी कोई विसर्ग किसी स्वर अथवा व्यंजन से क्रिया करता है तो प्राप्त होने वाले संधि को बोलते हैं विसर्ग संधि। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की परिभाषाओं को समझा। लेकिन हमारे कोर्स में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ना है स्वर संधि, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ पूछे जाते हैं स्वर संधि। तो यहाँ पर हम लोग स्वर संधि को पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्वर संधि को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्वर संधि क्या होता है, तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि स्वर संधि क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि मुख्यतः पाँच प्रकार के होते हैं। वो पांच प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है दीर्घ संध, दूसरा होता है गुड़ संध, तीसरा होता है ब्रज संध, चौथा होता है यड़ संध, पांचवा होता है
आयादि संधि। तो चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में। तो चलते हैं दीर्घ संधि के पास। देखिए हम लोग चले आए हैं दीर्घ संधि के पास। अब दीर्घ संधि क्या होता है, तो जब भी यहाँ पे देखिए जब भी छोटा या बड़ा के सामने छोटा या बड़ा कुछ भी आए तो वो सदैव क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अगर छोटी या बड़ी के सामने छोटी या बड़ी कुछ भी आए तो वो सदैव क्या हो जाता है, बड़ी हो जाता है। छोटा हो या बड़ा हो, दोनों में से किसी के भी सामने छोटा हो बड़ा हो में कोई भी आए तो वो सदैव क्या होता है, बड़ा हो जाता है। री के सामने री अथवा लरी कुछ भी आए तो सदैव क्या हो जाता है, बड़ी री हो जाता है। देखिए इस री में जमीन और आसमान का फर्क है। ये री क्या है, तो ये री सिर्फ और सिर्फ री है, लघु री है। ये क्या है, दीर्घ री, क्योंकि ये री इस री से क्या है, बड़ा है। अगला देखिए, जब भी लरी के सामने री अथवा लरी कुछ भी आए तो वो सदैव क्या बनता है, बड़ी री बन जाती है। तो ये रहा दीर्घ संधि का नियम कि जब भी किसी भी लघु के सामने लघु अथवा दीर्घ आए तो वो सदैव दीर्घ होता है। छोटा बड़ा के सामने छोटी या बड़ी के सामने ऊ या बड़ाऊ के सामने री या लरी के सामने जब भी कोई ऐसा आता है तो सदैव क्या होता है, उसके दीर्घ का निर्माण होता है और ऐसी संधि को बोलते हैं दीर्घ संधि। तो चलते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल है सत्य प्लस अर्थ बराबर सत्यार्थ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, देखिए सत्य में लास्ट में क्या है, छोटा आ है, और अर्थ में भी क्या है, छोटा आ है, और छोटा छोटा मिलेंगे तो हो जाएंगे बड़ा। यहाँ पे देखिए सत्य के बाद बड़ा बना है, यहाँ पे हो गया सत्यार्थ। अगला देखिए तत्र प्लस अप, तत्र में क्या है, लास्ट में आ है, यहाँ भी आ है, मिलेगा तो हो जाएगा बड़ा, और यहाँ पे हो गया बड़ा, और ये हो गया तत्राप। यहाँ पे देखिए हिम, यहाँ में यहाँ पे आ रहा है छोटा, यहाँ पे आ रहा है बड़ा, मिलेगा तो हो जाएगा बड़ा, हो गया हिमालय। अगला देखिए विद्या प्लस आलय, विद्या में क्या आ रहा है, बड़ा, आलय में आ रहा है बड़ा, और मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये बन गया क्या, विद्या प्लस आलय बराबर क्या, विद्यालय। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे रवि प्लस इंद्र बराबर क्या है, रविंद्र। अब रब में क्या आ रहा है, छोटी आ रहा है, इंद्र में भी क्या आ रहा है, छोटी आ रहा है, मिलेंगे तो हो जाएगा बड़ी, और यहाँ पे हो गया देखिए रविंद्र, बड़ी का मात्रा लग गया। अगला है कवि प्लस ईश्वर। देखिए कवि में क्या आ रहा है, छोटी आ रहा है, ईश्वर में क्या आ रहा है, बड़ी आ रहा है, छोटी बड़ी मिलेंगे तो बड़ी बन जाएगा, यहाँ पे देखिए कवीश्वर। अगला देखिए मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। देखिए यहाँ पे एक गलती हो गया, ये मात्रा छोटे का चढ़ गया, हमको मात्रा बड़े का चढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे बड़े का मात्रा रहेगा। देखिए मही प्लस इंद्र, यहाँ पे ई की बड़ी मात्रा आ रही है, यहाँ पे ई की छोटी मात्रा है, दोनों मिलेंगे तो बड़ी मात्रा बन जाएगी, हो जाएगा महेंद्र। अगला है सत्य प्लस ईस बराबर सतीश। ई का बड़ी मात्रा, ई का छोटी मात्रा, मिलेंगे तो बड़ी मात्रा बनेगा, और यहाँ पे क्या हो गया, सतीश। चलिए आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे लघु प्लस उत्तर बराबर लघु उत्तर। यहाँ पे उ का छुटाऊ का मात्रा आ रहा है, और यहाँ पे भी उ का छुटाऊ का मात्रा आ रहा है, और मिलेंगे तो बन जाएगा बड़ाऊ का मात्रा, और लघु प्लस उत्तर मिलके क्या होंगे, लघु उत्तर। यहाँ पे देखिए बड़ाऊ का मात्रा आ रहा है। अगला है वधु प्लस उत्सव बराबर वधुत्सव। यहाँ पे देखिए उ का बड़ाऊ का मात्रा आ रहा है, छुटाऊ का मात्रा आ रहा है, मिलेंगे तो बड़ाऊ का मात्रा हो जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा, और मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, वधुत्सव। अगला देखिए वधु प्लस सूर्य, यहाँ पे ऊ का बड़ाऊ का मात्रा आ रहा है, यहाँ पे ऊ का छोटाऊ का मात्रा आ रहा है, दोनों मिलेंगे तो बड़ाऊ का मात्रा बनेगा, और वधु प्लस सूर्य बराबर क्या हो गया, वधूर में। अगला देखिए आप, यहाँ पे देखिए पितृ प्लस ऋण। हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा कि जब भी री री मिलते हैं तो बड़ी री का निर्माण होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर होत्र और रिकार मिलके बन गए होत्रकार। यहाँ पे जो होत्रकार में जो ता पे रा है, वो रा कुछ ऐसे रहेगा, इस प्रकार का रहेगा, उस पर दो मात्रा रहेगा, क्योंकि मोबाइल में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, इस प्रकार मैं वहाँ पे नहीं लिख पाया। तो आप लोग समझ जाइए कि जो ता पे री का मात्रा है, उसी के नीचे एक मात्रा री का और भी ऐसे रहेगा। तो ये हो गया होत्रकार। देखिए यहाँ पे री री मिलके बड़ी री हो गए, और बड़ी री क्या हुए, ता पे लग गया, तो ये हो गया होत्रकार। अगला देखिए, और वैसे अगला पितृण में भी है। पितृ में देखिए री का मात्रा, यहाँ भी री का मात्रा, मिलेंगे तो बड़ी री हो जाएगा, और तो यहाँ पर ता पर भी ऐसे एक मात्रा रहेगा, तो ये हो गया पितृण। अगला देखिए लरी प्लस लिकार। हम लोग जानते हैं कि जब भी लरी लरी मिलेगा तो वो बनता है बड़ी री, तो यहाँ पे लरी लरी है और मिलेगा तो बड़ी री बन जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हो गया रिकार। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने दीर्घ संधि को और उसके बहुत सारे एग्जांपल को समझा। बाकी अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो एग्जाम से जो सारे क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। तो इस प्रकार आप इसको एक बार एक नियम को फिर से पढ़िए, और जो रिविजन है उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी एक किताब ले लीजिए और उस किताब से लेके इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं आगे देखते हैं। अगला है गुड़ संधि। अब ये गुड़ संधि का क्या नियम होता है, तो पहले हम लोग समझते हैं नियम के बारे में। तो नियम क्या है कि जब भी छोटा अथवा बड़ा के सामने ई या बड़ी आए तो वो सदैव बनता है ए, और छोटा या बड़ा के सामने जब ऊ या बड़ा हुआ है तो सदैव बनता है ओ, और उसी छोटा और बड़ा के सामने जब भी री आता है तो बनता है अर, और उसी के सामने जब री आता है तो बनता है क्या, अल। इट मीन्स छोटा और बड़ा के सामने जब छोटी या बड़ी आए तो बनता है
ऊ या बड़ा हुआ है तो बनता है ओ, री आए तो बनता है अर, और लरी आए तो बनता है अल। इस प्रकार के संधि को बोलते हैं गुण संधि। इसके पहले मैं गुण संधि के एग्जाम्पल को समझाऊं, इसके पहले यहाँ पे दिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ का के नीचे हलंत, तो इसका मतलब ये होता है कि जो का है वो क्या है, आधा है। आधा क्यों? क्योंकि इसमें से आ को निकाल लिया गया है, और अगर इसमें हम आ को फिर ऐड कर देते हैं तो फिर क्या बन जाएगा, का बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, का में आ को ऐड किया गया, फिर क्या बन गया, का बन गया। अगर का में हम बड़ा को ऐड करते हैं तो यहाँ पे का पराग मात्रा का बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आधा का है, आधा का में जब ना को ऐड करेंगे तो बन जाएगा क्वेन। चलिए आगे देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी आधा रा में कुछ भी जुड़े तो वो उसके ऊपर चुरकिया हुआ रा बन जाता है। अगर आधा रा में का जुड़ेगा तो का के ऊपर बन जाएगा चुरकिया हुआ रा, रा आधे रा से जब ना जुड़ेगा तो ना के ऊपर बन जाएगा चुरकिया हुआ रा। यहाँ पे देखिए, आधे रा से जुड़ा हुआ है पा, तो बन गया पा के ऊपर क्या, चुरकिया हुआ रा। यहाँ पे आधे रा से जुड़ा हुआ है फा, हो गया बन गया फा के ऊपर चुरकिया हुआ रा। देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अब भी कहीं नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैं जितने भी इन चीज़ों को बताया हूँ, इन चीज़ों को आप अभी कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये इन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होगी तो आपको संधि को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आएंगी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, जब भी हिंदी वर्णमाला में का खा गा इन सबसे अगर ए जुड़ेगा तो सदैव उनके ऊपर एक मात्रा का निर्माण करता है। जैसे देखिए, पा से अगर ये जुड़ेगा तो पा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक मात्रा बनेगा, बनेगा पे। अगर का से ये जुड़ता है तो बनेगा के, सा से जुड़ता है तो बनेगा से, रा से जुड़ता है तो बनेगा क्या, रे। लेकिन वहीं अगर ए जुड़ता है, इसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, पा से ए जुड़ा हुआ है तो बन गया क्या, पै। का से ए जुड़ा है बन गया के, सा से अगर ए जुड़ता है तो बन जाएगा से। यानी अगर ए जुड़ेगा तो केवल एक मात्रा बनेगा, और ए जुड़ेगा तो उसके ऊपर क्या बनेगा, दो मात्रा बनेगा। तो चलते हैं हम लोग गुड़संधि के एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है कि उप प्लस इंद्र बराबर क्या, उपेंद्र। अब उप के लास्ट में आ रहा है छोटा, इंद्र में क्या आ रहा है ई, और आई मिलेंगे तो बनेंगे ए, और यहाँ पे देखिए ए बन गया, पा के ऊपर ए का मात्रा चढ़ गया। अगला है सुर प्लस ईस बराबर क्या, सुरेश। अब सुर में क्या आ रहा है, आ रहा है, इस में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और आ ई मिलेंगे तो बन जाएगा ए, और यहाँ हो गया क्या, सुरेश। अगला देखिए, पर प्लस उपकार बराबर क्या, परोपकार। अब पर में देखिए आ रहा है, यहाँ पे ऊ आ रहा है उपकार में, और आ ऊ मिलेंगे तो बन जाएगा ओ, और ओ बन गया तो यहाँ पे देखिए रो हो गया, तो ये हो गया परोपकार। चलिए अगला देखिए, महा उदय बराबर महोदय। अब देखिए, महा में आ रहा है बाबर आपराग मंत्र आ, उदय में आ रहा है ऊ, और अपराग मंत्र आ से ऊ मिलेगा तो बन जाएगा ओ, और यहाँ पे देखिए ओ है तो ये हो गया क्या, महोदय। अगला देखिए, देव प्लस ऋषि बराबर क्या है, देववर्षि या देवऋषि। अब ये कैसे हुआ है तो इसको आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे देखिए, देव में क्या आ रहा है, आ रहा है पहले, और ऋषि में क्या आ रहा है, री आ रहा है। और हमने आपको बताया कि जब आ से री जुड़ेगा तो बन जाता है क्या, अर। अर माने क्या, रा के नीचे बनता है हलंत। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप देव, अब यहाँ से जो वा है, वा से आ निकला हुआ है, वा से आ निकला है तो वा आधा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब इससे मिलता है तो फिर बन जाता है अर। अब ये आ जा करके उस वा से फिर जुड़ जाता है तो बन जाता है देव। बाकी ये जो रा बनता है वो क्या होता है, अब री तो गायब हो गया, क्योंकि जब यहाँ का आ और री मिलता है तो बनता है अर, री गायब हो गया। अब उस अर का आ वा को मिल के वो बन जाता है वा, और जो ये रा है, हमने अभी ऊपर पढ़ गया है कि जब भी आधारा किसी जुड़ता है तो उसके ऊपर चुरकिया वारा का निर्माण करता है, और वो आधारा जाके सा से जुड़ता है तो सा के ऊपर चुरकिया वारा का निर्माण करता है, तो इस प्रकार बनता है क्या, देवर्षि। आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ में देव में क्या आ रहा है, आ रहा है, छोटा आ रहा है, और ऋषि में क्या आ रहा है, री आ रहा है, और जब भी आ और री मिलते हैं तो बनता है क्या, अर। अब देखिए, यहाँ से आ इस री से अगर मिला तो यहाँ से रा निकला होगा, तो निकलेगा तो वह क्या बन जाएगा, आधा बन जाएगा, और यहाँ री से क्रिया करेगा तो यहाँ से रे भी गायब हो जाएगा, यहाँ से आ यहाँ से री क्या हो गए, गायब हो गए, और बन गया क्या, अर। अब जो अर बना है, उस अर का जो आ है वो फिर इस वा से मिल करके वा को क्या करेगा, पूरा कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देव। अब रा बचा हुआ है, यहाँ पे री क्या हुआ है, गायब हो गया है। अब वो जब रा है वो आधा रा है, और अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ गया है कि जब भी आधा रा किसी से जुड़ता है तो उसके ऊपर चुरकिया वारा का निर्माण करता है, और वो आधा रा इस सा से जुड़ेगा तो बन जाएगा इसके ऊपर चुरकिया वारा, और बन गया क्या, देवर्षि। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, यहाँ पे तव प्लस लिकार बराबर क्या, तवल्लकार। हमने पढ़ा कि जब आ में ले मिलता है तो बनता है अल, ला क्या होता है, आधा होता है। यहाँ पे देखिए, तो में आ रहा है, ले में क्या, ला रहा है, मिलेगा तो बनेगा अल।
अब अल जो है, देखिए अल क्या है, अब जो अल है, अल में ला क्या है, आधा है, तो यहाँ पे ला क्या हो गया, आधा हो गया, और ये हो गया तवल्लकार। अगला देखिए, मम प्लस लिगार बराबर क्या, ममल्लकार। तो मम में आ रहा है, इसमें लिगार आ रहा है, मिलेंगे तो बनेंगे अल, तो ला जो बन रहा है यहाँ पे आधा ला हो गया, और क्या क्या मवल्लकार। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे गुड़संधि को समझ लिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार गुड़संधि को फिर से देख लीजिए। चलते हैं अगला ब्रज संधि की ओर। देखिए आ गया ब्रज संधि। अब ये ब्रज संधि क्या होता है, तो ब्रज संधि बहुत ही सिंपल है। देखिए आप यहाँ, जब भी छोटा या बड़ा से जब ए या ए मिलेगा तो सदैव बनेगा क्या, ए। जब छोटा या बड़ा से मिलेगा ओ या औ, सदैव बनेगा क्या, औ। यानी छोटा बड़ा के सामने ये या ए आएगा तो ए बनेगा, वो या औ आएगा तो औ बनेगा, और इस संधि को बोलते हैं क्या, वृद्ध संधि। आगे समझते हैं इसको। देखिए पहला एग्जांपल है, एक प्लस एक बराबर एक एक। अब ये कैसे हुआ, तो इसको आप देखिए ध्यान से। देखिए एक में जो का आ रहा है, का में से आ निकालेंगे, यानी का में आ है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आ के सामने ए आ रहा है, तो जब भी का के सामने ए आएगा सदैव बनता है ए। तो एक का तो ऐसे रहेगा, इससे मिलके बन गया ए, माने क्या, डबल मात्रा बनेगा, तो एक कैक, यहाँ पे डबल मात्रा चढ़ गया। देखिए अगला है, मत प्लस एक बराबर क्या, मतैक। अब मत में देखिए जो ता में आ छिपा हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक मतलब ए है, और आ के सामने जब ये आएगा सदैव ए बनता है, तो ये हो गया क्या, मतैक। ये हटेगा और ए बन जाएगा, तो ता के ऊपर आएगा, माता चढ़ जाएगा, वो ये हो जाएगा मतैक। देखिए अगला है, जल प्लस ओद बराबर क्या, जलोद। अब यहाँ पे देखिए जल में क्या है, ला आ रहा है, ला में क्या, आ छिपा हुआ है, यहाँ पे क्या है, ओद में पहले ओ आ रहा है, तो यहाँ पे आ, यहाँ पे ओ, हमने पढ़ा कि आ के सामने जब ओ आएगा तो बनता है औ, तो यहाँ पे देखिए जल, यहाँ पे औ बन गया, तो हो गया जलोद, यहाँ पे देखिए औ हो गया, तो हो गया जलोद। अगला देखिए यहाँ पे, वन प्लस औसत बराबर क्या, वन औसत। अब वन में देखिए छोटा आ रहा है, औसत में क्या आ रहा है, औ आ रहा है, और आ के सामने जब औ आता है सदैव बनता है औ, तो बन था, तो यहाँ पे औ का औ हो गया, तो हो गया वनौषधि। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे ब्रज संधि को समझ लिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें। चलते हैं आगे, चलते हैं तो अगला देखते हैं यण संधि। तो यण संधि को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ विशेष चीज़ को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें हम नहीं समझे तो हमको बिल्कुल यण संधि समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। देखिए जब भी हम किसी के ऊपर से मात्रा हटाते हैं ना, तो वो चीज़ आधी हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए की है ना, यहाँ पे की है, अगर की में से ई का मात्रा हटा लेंगे तो का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, बी में से ई का मात्रा हटाएंगे तो बी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ना में से ऊ का मात्रा हटाएंगे तो ना भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। गौ में से ओ का मात्रा हटाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इट मीन्स किसी भी वर्ड में से अगर मात्रे को हटा लिया जाए तो वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर पा है, तो आप इसको पा देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको बारीकी से देखें तो पा में आ छिपा हुआ है, आ एक मात्रा है, अगर आप उस मात्रा को हटा लेते हैं तो ये पा भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इट मीन्स किसी भी वर्ड में से अगर स्वर को निकाल दिया जाए तो वो चीज़ आधी हो जाती है। बाकी नीचे भी दो विशेष तथ्य दिए हैं, ये तथ्य क्या हैं, कि जब भी कोई आधा वर्ड रा से जुड़ता है ना, तो रा उसके उसमें जुट जाता है। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे आधा पा है, रा में जुड़ा तो प्रा हो गया। यहाँ पे आधा ता में जब रा जुड़ता है तो त्रा हो जाएगा। जब आधा सा रा से जुड़ेगा स्रा हो जाएगा। आधा का रा में जुड़ेगा तो क्रा हो जाएगा। यानी जब भी कोई आधा वर्ड रा से जुड़ता है तो वो रा उसी में आधा रा बन जाता है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर यण संधि के लिए। तो चलते हैं हम लोग समझते हैं यण संधि का नियम। देखिए यण संधि का नियम क्या होता है, तो यण संधि का नियम है कि जब भी छोटी या बड़ी के सामने कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ओरी, कोई भी स्वर आए, तो जैसे कोई स्वर आता है तो वो बन जाता है या। देखिए या यहाँ पे पूरा नहीं बन रहा है, बल्कि वो जो या बन रहा है वो आधा या बन रहा है, वो सदैव ऐसे बन रहा है, आप ध्यान रखिए इसको। जब भी ऊ या बड़ा ऊ के सामने कोई भी स्वर आए तो वो क्या बन जाता है, वाह, और वाह नहीं बल्कि वो आधा वाह बनता है। अगला देखिए, जब भी री के सामने कोई भी स्वर आए तो वो बनता है आधा रा, और जब भी लरी के सामने कोई भी स्वर आए तो बनता है क्या, आधा ला। इस प्रकार छोटी या बड़ी के सामने कुछ भी आए तो बनेगा आधा या ऊ, या बड़ाऊ के सामने कोई भी स्वर आए तो बनता है आधा वा, री के सामने कोई भी स्वर आए तो बनता है आधा रा, ली के सामने कोई भी स्वर आए तो बनता है आधा ला। इस प्रकार के संधि को बोलते हैं यण संधि। तो चलते हैं हम लोग आगे यण संधि के एग्जांपल को समझते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे, ताकि यण संधि में हमको कभी भी कोई कन्फ्यूजन ना हो।
देखिए इस चीज को हम लोग बहुत ही बारीकी के साथ समझेंगे, तो चलते हैं इसको समझते हैं। देखिए अति प्लस अधिक बराबर क्या हो गया, अत्यधिक। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे अति में क्या आ रहा है, आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे हमको इस आ को नहीं टच करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे धिक है, धिक को नहीं टच करना है। जो सारा खेल है वो ती और आ का है, हम ती और आ को ध्यान से देखेंगे और जो सारा परिवर्तन होगा यहीं पर होगा। तो देखिए जब भी ती में से जब ती क्या करेगा, ई को निकालेगा ना, तो ता क्या बन जाएगा, आधा बन जाएगा। ध्यान रखिए आप, जब भी ती में से ई का मात्रा निकलेगा तो ता क्या बन जाएगा, आधा बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए ता आधा बना हुआ है। अब आगे देखिए, हम लोगों ने पढ़ा ऊपर कि तो ई के सामने जब भी कोई भी स्वर आता है तो वो क्या हो जाता है, ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है। तो ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और या जो होता है वो या क्या होता है, आधा या होता है। अब देखिए ये ई निकल के आधा या बन गया, और यहाँ पे देखिए अधिक में आ है, तो जब अधिक वाला आ इसे मिलेगा तो इसके आधेपन को ख़त्म कर देगा, और ये जो या है ये क्या हो जाएगा, पूरा या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ता आधा था, तो ता आधा है, या क्या है, पूरा है, और ये बन गया क्या, अत्यधिक। चलिए आगे समझ लेते हैं। देखिए अगला है अति प्लस आचार बराबर क्या, अत्याचार। अब ये कैसे हुआ, सेम ऐसे हुआ। देखिए अति में से जैसे ही ता में से ई का मात्रा निकलेगा, ता क्या बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा आधा। तो आधा बन गया, तो यहाँ पे देखिए ता आधा है। अब ई के सामने कोई भी स्वर, देखिए यहाँ पे कोई भी स्वर आए तो क्या बन जाता है, तुरंत बन जाता है या, तो ये बन गया या। अब यहाँ पे देखिए आचार में अपराग मात्र आ है, तो ये जो या बना है वो आधा या है, लेकिन आचार का जब आएगा तो इस आ को पूरा कर देगा, और ये बन जाएगा या पराग मंत्र या। तो यहाँ पे या पराग मंत्र ये हो या हो गया, और ये बन गया अत्याचार। तो इस प्रकार अति प्लस आचार बराबर क्या हो गया, अत्याचार। अगला देखते हैं, तो अगला है मधु प्लस अरि बराबर क्या, मध्वार। अब ये कैसे हुआ, तो आप इसको देखिए, तो यहाँ पे देखिए मध हमको माँ को नोटिस करना है क्योंकि माँ यहाँ पे है, रि को नोटिस करना है क्योंकि रि भी यहाँ पे, जो सारा खेल है वो धू और आ का है। तो कैसे कैसे हो रहा है इसको आप देखिए, देखिए धू में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो जैसे धा ऊ को त्यागेगा, धा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आधा धा। तो देखिए यहाँ पे आधा धा है कि नहीं, तो यहाँ पे आधा धा है। बाकी ऊ के सामने येड़ संधि का नियम है कि ऊ के सामने जब भी कोई भी स्वर आए तो बन जाता है वाह, तो वो बन गया क्या, वाह। और वाह भी बनता है तो आधा वाह बनता है, तो यहाँ पे आधा वाह है। अब इस आरी का जो आ है, इस वाह से क्रिया करता है और इस वा को जो वा आधा है उसको पूरा कर देता है, तो ये हो जाता है पूरा। और यहाँ पे देखिए वा क्या है, पूरा है। तो इस प्रकार मधु प्लस सर बराबर मिलके क्या बनता है, मध्वर्ग। तो अगला देखिए सु प्लस आगत बराबर क्या, स्वागत। अब ये कैसे हुआ, तो सु में आप ध्यान से देखिए, जब सु उ को त्यागेगा तो वो बन जाएगा आधा सा, बन गया आधा सा। अब देखिए गत से मेरी मतलब गत तो ही पड़ा है, सा और आ का खेल है, तो सा तो सु तो सा ने जैसे ऊ को त्यागा बन गया आधा सा। अब नियम क्या है यड़ संधि का, कि जब ऊ के सामने कोई भी स्वर आए तो बन जाता है वाह। अब वाह बनेगा तो वाह आधा बनेगा, देखिए यहाँ पे आधा सा बना, तो यहाँ पे आधा सा है। अब ऊ जो बना वो आधा वाह बना, और उस आधे वाह की कमी को ये यहाँ का आके क्या कर दिया, पूरा कर दिया। और जैसे पूरा किया तो ये हो गया वापारंग मंत्र वाह, तो यहाँ पे वापारंग मंत्र वाह है, और मिलके बन गया स्वागत। तो इस प्रकार जब भी सु में आगत मिलेगा तो बनेगा क्या, स्वागत। चलिए आगे देखते हैं, तो अगला है पित्र प्लस आज्ञा बराबर क्या, पित्राज्ञा। चाहे आप उसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसको हम लोग समझते हैं, देखिए नियम क्या है कि जब भी री के सामने कुछ भी आए तो वो बन जाएगा क्या, आधा रा। अब यहाँ पे क्या है, हमको पी से नहीं मतलब है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पी है, इसको हम मिटा ही देते हैं, इसको हटाते हैं, यही देखते हैं क्योंकि एग्जाम में यही पूछता है, तो इसी को देख लेते हैं। देखिए पी यहाँ पे है तो पी यहाँ पे है, ज्ञा यहाँ पे है तो ज्ञा यहाँ पे भी है, यानी सारा खेल जो है वो त्रि और आ का है। तो त्रि और आ को बहुत ध्यान से देखते हैं, देखिए जब भी त्रि का री मिलके री के सामने कुछ भी आएगा तो रा बनेगा, तो जब ता री को त्यागेगा तो वो बन जाएगा आधा ता। देखिए ये बन गया क्या, आधा ता, यहाँ पे देखिए आधा ता बना हुआ है। अब ये री जब आ से मिलेगा तो बन जाएगा आधा रा, तो देखिए ये आधा रा हो गया, ये आधा ता और ये आधा रा, ध्यान से देखिए आप। अब इस आधे रा की कमी को पूरा करने आएगा यहाँ का आ, तो यहाँ का आ जब इसके पास रा के पास आएगा तो ये बन जाएगा रा पराग मंत्रा रा। और पहले क्या था, ये ता आधा था, अब ये री इससे मिलके रा बना था, इसकी कमी को ये पूरा किया तो रा पराग मंत्रा रा हो गया। तो जब भी आधे ता में रा पराग मंत्रा रा जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जब भी आधे अक्षर में से आधे का में रा जुड़ता है तो बनता है क्रय, आधे पा में रा जुड़ता है तो बनता है प्रय, आधे ता में रा जुड़ता है तो बनता है त्रय।
तो वैसे ही आधेता में जब रापा राग माता रा जुड़ेगा तो क्या बनेगा, त्रा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए त्रा बन गया पित्राज्ञा, तो पित्र प्लस आज्ञा बराबर क्या, पित्राज्ञा। अगला समझ लेते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो ये चीज़ पक्का समझ में आएगा। देखिए इसको मिटाई देते हैं क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछता है, एग्जाम में केवल यही पूछता है। तो चलते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें धापा राग माता धा से कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पे धापा राग माता धा है। यहाँ पे अंश सा से कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पे सा है। हमें जो सारा खेल है यहाँ पे वो त्रि और आ का है। तो कैसे कैसे ये क्रिया करके बनाते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए त्रि क्या करेगा, सबसे पहले री को त्यागेगा, तो री को त्यागेगा तो बनेगा यहाँ पे आदाता, बन गया। अब देखिए री री जब री के सामने कोई भी स्वर आता है तो बनता आधारा, बनता है कि नहीं आधारा, तो बनेगा आधारा। अब यहाँ का जो आ है इसके पास आकर इसके अधूरेपन को दूर करेगा और ये रा बन जाएगा पूरा रा। तो हमने ऊपर पढ़ा कि जब भी कोई आधा वर्ड रा से जुड़ता है तो रा उसमें आधा हो जाता है, यानी ता में रा जुड़ेगा तो हो जाएगा त्रा, और त्रा होगा तो क्या हो जाएगा, ये धात्रांश। अगला देखते हैं, अगला है ध्री प्लस आकृति बराबर क्या, इसको मिटाते हैं। इसको देखते हैं एग्जाम में यही पूछता है, ध्री प्लस आकृति बराबर क्या होती है, लाकृति। ये कैसी होती है, तो हमने आगे नियम पढ़ा कि जब भी ध्री के सामने कोई भी स्वर आए तो वो बन जाता है ला। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जब भी ध्री ध्री क्या करेगा, री को त्यागेगा, या ध्री के सामने कुछ भी आएगा तो बन जाएगा ला, और जो ला बना वो ला बना आधा ला, तो आधा ला बन गया। अब यहाँ का आ इसके पास आता है, इसके अधूरेपन को दूर करके इसको बनाता है लापराग मंत्र ला, तो बनाया तो ये हो गया लापराग माता ला, बाकी कृति तो पहले से था। तो इस प्रकार हमने यड़ संधि को यहाँ पे बहुत ही बारीकी समझ लिया। फिलहाल यड़ संधि जो है वो सबसे थोड़ा कठिन है, यड़ संधि आया संधि दोनों सभी संधियों से हटके हैं। तो आप यड़ संधि को एक बार फिर से देख लेंगे और आगे चलते हैं आया संधि को भी पढ़ाते हैं, अगर वो नहीं समझ में आएगा तो उसको भी एक बार फिर से देख लेंगे, और आगे आया संधि को हम अच्छे से और कई बार रिविजन करके पढ़ाएंगे जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी ना आए। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मैं आपके उस प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा। चलते हैं आगे देखते हैं। तो अगला जो संधि है इसको बोलते हैं क्या, आयादि संधि। अब आयाद संधि क्या होता है, वैसे वास्तव में जितने भी संधि हमने पढ़े, चाहे वो दीर्घ संधि हो, गुड़ संधि हो, ब्रज संधि हो, यड़ संधि हो, आयाद संधि हो, सभी संधियों का अपना अलग अलग फार्मूला होता है। दीर्घ संधि का फार्मूला होता है आकाश सर्वड़े दीर्घा, गुण संधि का फार्मूला होता है गुड़ा, ब्रज संधि का फार्मूला होता है बेद्रेच, यड़ संधि का फार्मूला होता है एक्वाडच, आया संधि का फार्मूला होता है एच ओ एवा वाया। लेकिन इस चीज़ को उस सूत्र से समझने के लिए हमको मैसूर सूत्र याद होना चाहिए। अगर मैसूर सूत्र याद है तो उस चीज़ से हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन अगर मैसूर सूत्र नहीं याद है तो नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हमको हम बता देते हैं मैसूर सूत्र है क्या, कैसा होता है, कैसे आप याद करोगे, तो वो बहुत कठिन है। क्या है वो, वो है आई वुड रिली के वोड एवं चैवड लड़ा मंगणम गड़गस जब गड़गस खप पछाते तथा वो कप है सरहल। तो ये चीज़ें काफ़ी कठिन है क्योंकि मैं चूँकि नाइन्थ में पढ़ रहा था तो नाइन्थ में संस्कृत लेके पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी मेहनत की थी, इसलिए वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमको रट्टा हो गई है। तो आप अभी अगर रटना चाहते हो तो बहुत मुश्किल है रटना, इसलिए आप छोड़ दो उसको, जब हमको ऐसे समझ में आ रहा है आसानी से तो वो रटने की क्या आवश्यकता है। तो चलते हैं ऐसे ही समझ लेते हैं। देखिए ये नियम क्या है, तो ये नियम ये है, जब भी ए के सामने कोई भी स्वर आए तो वो सदैव बन जाता है ए, यहाँ पे यही क्या है आधा है, और ए के सामने जब भी कोई स्वर आता है तो वो बन जाता है क्या आए, ओ के सामने जब कोई स्वर आता है तो बनता है औ, औ के सामने आता है तो बनता है औ, यानी ये के सामने आएगा तो ए, ए के सामने आएगा तो आए, ओ के सामने आएगा तो औ, के सामने आएगा तो आओ, और इस प्रकार के संधि को बोलते हैं आयादि संधि। वैसे ये चीज़ें आपको बहुत कम समझ में आई होंगी, अगर नहीं समझ में आई है तो चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हमारा पहला क्या है कि नए प्लस अन बराबर नैन। अब ये कैसे हो गया तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए जब भी ना हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जब भी कोई वर्ण मात्रा को त्यागता है तो आधा हो जाता है। अब ये जो ने है वो, अब ये जो ना है अगर वो एक ही मात्रा को त्यागेगा तो आधा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ना मात्रा को त्यागेगा ही त्यागेगा, तो त्याग के ये क्या हो जाएगा ना आधा हो जाएगा। तो ना को अभी आधा ही रहने देते हैं। अब यहाँ का जो ये है, ए है जब आ से मिलेगा तो क्या बनेगा, तो ए जब आ से मिलता है तो बनता है क्या ए, तो यहाँ पे क्या बन गया ए, या क्या होता है आधा होता है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ना क्या है आधा है, ये जो आएगा वो क्या करेगा इस ना की कमी को पूरा करेगा और ना को पूरा बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए ना क्या हो गया पूरा हो गया, बाकी यहाँ पे क्या है ये या जो है वो आधा है, लेकिन इसका जो आ जाएगा उस या की कमी को भी पूरा कर देगा, उस या को भी क्या कर देगा पूरा कर देगा, बाकी लास्ट में ना तो है ही है। तो इस प्रकार ने से जब अन मिलेगा तो बनेगा क्या नयन। तो
अगला है नय प्लस अक बराबर नायक। अब ये नायक कैसे हो गया, उसको समझते हैं हम लोग। देखिए नय में क्या आ रहा है, नय में यानी कि जब ना ए का मात्रा छोड़ेगा तो वो ना क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ना को मैं आधा कर देता हूँ। अब जब ए के सामने कोई भी स्वर आता है ए के सामने, तो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। स्वर कोई भी स्वर हो, फर्क नहीं पड़ता, तो बन गया है यहाँ पे। या क्या होता है, आधा होता है। अब इस ना को जब ये आपारक मात्रा आ मिलेगा तो ये बन जाएगा ना। यहाँ पे देखिए बन गया ना। अब यहाँ का जो आ है वो जाके इसकी या की कमी को पूरा करेगा और ये बन जाएगा या और का। तो नय प्लस अक बराबर क्या हो गया, नायक। अगला देखिए ये पो प्लस अन बराबर क्या हो गया, पवन। अब ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए पो यानी जब पा ओ के मात्रा को त्यागेगा तो बन जाएगा आधा पा। नियम क्या है कि जब भी ओ के सामने कोई भी स्वर आए तो ओ का क्या हो जाता है, आओ। ओ का हो जाता है आओ। तो ये हो गया क्या, आओ। वा में जो और वा क्या होता है, आधा होता है। तो ये जो आ है इस पा के कमी को पूरा करेगा, ये हो जाएगा पा। तो यहाँ पे देखिए हो गया पा। अब वा है, यहाँ का जो आ है इस वा के कमी को पूरा करेगा, ये बन जाएगा वा। और ना तो पहले से है, तो पो प्लस अन बराबर क्या हो गया, पवन। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या है, तो नो प्लस एक बराबर क्या, नाविक। अब ये कैसे हो गया, तो हम लोग जानते हैं ना क्या करेगा, उसमें मात्रा को त्यागेगा, मात्रा को त्याग के वो क्या बन जाएगा, आधा होगा। और आधा होगा तो ओ के सामने जब भी कुछ आता है तो वो बन जाता है क्या, आओ। नियम तो यही है ना, आओ बनेगा और वो क्या बन जाएगा, आधा। और यहाँ पे जो वा है वो आधा रहेगा। अब ना आधा है लेकिन आपराग मात्रा आ इस आधे की कमी को पूरा करेगा और ये बन जाएगा ना आपराग मात्रा ना। तो क्या ना आपराग मात्रा ना। अब यहाँ पे क्या, ये है बा, ध्यान से देखिए यहाँ पे बा है, लेकिन यहाँ की जो इक है जब इससे जुड़ेगी तो आधी खत्म हो जाएगी और इ का मात्रा जुड़ जाएगा, हो जाएगा वी। तो यहाँ पे हो गया वी का, तो पहले से था। तो इस प्रकार नो प्लस एक बराबर हो गया नाविक। तो इस प्रकार हमने संधि को समझ लिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके उस प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा और फिर से एक बार समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।